ये जो हमारा करिकुलम है उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई दी जाती, बहुत सारी चीज़ें गलत सिखाई जाती है। जैसे मुकाबलेबाजी, तुमने अव्वल आना है। आप में से कौन है जिसने कभी अपने बच्चे को नहीं कहा कि तुमने अव्वल कोई नहीं आना? मैं भी हमेशा आपने अव्वल कोई नहीं आना। तो ये जो ट्रैप करना है किसी को या अपने आप को कि आपने किसी को सामने रख के मुकाबला करना है उसका, तो ऑटोमेटिकली कोई ऐसा वक्त आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई आपसे बढ़कर है। अगर आप किसी को देखेंगे जो आपसे बढ़कर है तो आप मायूस होंगे। अगर आप किसी को देखेंगे कि वो आपसे कम है तो आप एक अजीबोगरीब इत्मीनान पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप पर नज़र रखेंगे और अपना मुकाबला अपने आप से करेंगे कि गुज़श्ता दिनों में मैं कैसा था, गुज़श्ता साल में कैसा था, 10 साल पहले मैं कैसा था और अब मैं उससे बेहतर हूँ या मैं और कितना बेहतर हो सकता हूँ, इसको एक्सीलेंस कहते हैं। यानी अपनी ज़ात के अंदर से उभरना, अपने खुमीर की वजह से जब आँच लगती है तो आपका खुमीर चीज़ों को एक्सेल करने में मदद देता है। उसमें आँच लगना ज़रूरी है। आपने कभी बेकिंग की होगी, कोई ना कोई आप में से बेकिंग का शौकीन होगा। जी आप बताइए कि बेकिंग में अगर आँच ना दी जाए तो हो जाएगा काम? नहीं होगा ना, काम नहीं होगा। हीट करना पड़ता है, फिर आप तो को रखते हैं, फिर डो रखते हैं उसमें, और फिर सारे घर में जो खुशबू फैलती है वही उसका असल हासिल है कि जब कोई अंदर से उभरता है तो उसके वजह से खुशबू फैलती है, और जब वो किसी से मुकाबला डालता है तो वो कम से कम एक बंदे को नाराज़ करता है। जब कोई किसी को हराता है, कभी आपने ज़रूर देखा होगा कि लोग लूडो की एक बाजी हार के भी नाराज़ हो जाते हैं, और अगर एक जीत के मैं जा रहा तो क्या करते हैं उसके साथ? कहते बह जा, जान नहीं देना तेनों, जब तक हारेगा नहीं मैं तेन जान नहीं देना। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो अबंडेंस है, आपने कभी देखा है कि अल्लाह के घर में बहुत अबंडेंस है? आप कभी बाहर निकल के देखें तो आपको सारे शहर में, लाहौर जैसे शहर में अपनी छत पे खड़े होकर देखें तो आपको लाखों दरख्त नज़र आते हैं। लाहौर के अंदर आप सड़कों पे चले जाएं तो लाखों गाड़ियां नज़र आती हैं, और अगर आप रेस कोर्स पार्क चले जाएं तो लाखों फूल नज़र आते हैं। तो समंदर को देखें तो अबंडेंस है, मॉनसून की बारिशों को देखें तो अबंडेंस है। कभी आपने बारिश में, पता नहीं आप नहाए कि नहीं नहाए, आप ज़रा बड़े लोग हैं तो बारिश में कभी नहाए तो किस तरह पानी बरस रहा होता है जी, और बड़ा मज़ेदार होता है वो। और जो आसमान पे बादल ही बादल हो जाते हैं तो ये अबंडेंस है, और जो धूप निकल आती है तो ये अबंडेंस है। लेकिन हम समझते हैं स्केयरसिटी है, कहत पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। हमें लगता है कि कुछ नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में आपने रिसेंटली ज़रूर लोगों से सुना होगा कि इत्थों निकलो। हालांकि मुझे आप इसके मुकाबले का मुल्क नहीं दिखा सकते। मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम खुद हमारे अंदर है, जो हम काम करने के लिए तैयार नहीं, जो हम मुस्कुराने के लिए तैयार नहीं, जो हम हुस्न सलूक के लिए तैयार नहीं, जिसके अंदर कोई महंगाई नहीं हो गई। और अपने माँ बाप के हवाले से ख़ास तौर पर अगर आप गौर करें, कुरान पाक में जगह जगह माँ बाप के बारे में हदायत हैं, औलाद के बारे में कोई हदायत नहीं है कि औलाद नाल की करना है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि जो जिन्हें जोगा होएगा वो करेगा। कोई भी माँ बाप जितने योग्य होते हैं वो अपनी औलाद के लिए करते हैं। लेकिन औलाद को क्यों इतना तंबीह की गई है कि वालदैन को अगर बूढ़े होते हुए देखें तो उफ नहीं करनी, और उनसे झुक के बात करनी है, मुलायमत से बात करनी है, और उनसे मोहब्बत से बात करनी है। और मैंने देखा है कि खाना काबा में जो इमाम मस्जिद है, जब वो नमाज पढ़ाते हैं तो अक्सर औकात वो कुरान पाक की उन आयात की तलावत करते हैं जिसमें माँ बाप के बारे में
इरशादात हैं अल्लाह ताला के, और इमाम जब उसको तलावत करते हैं तो उनकी हिचकियाँ बन जाती हैं और वो उनको रुकना पड़ता है और वो बड़ी मुश्किल से उसको मुकम्मल करते हैं। और कई दफ़ा मैं आप सबको कहता हूँ कि तुहानू कभी ना आना पवे विलिंग वेज जे तुसी सिर्फ माँ बाप की गल मान लो, तो तुहानू कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो जे तुसी माँ बाप की गल मान लो। तो माँ बाप की नहीं मानते फिर आना पड़ता है, चले कोई बात नहीं, यहाँ आप सीखते हैं ज़िंदगी को और यहाँ आप ये भी सीखते हैं कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत हैं, और ये नेमत खो जाने वाली नेमत है। मैं आपको बताऊं, एक एस्टेब्लिश बात है कि माँ बाप एक खो जाने वाली नेमत है। हर बंदे की ज़िंदगी में नॉर्मली माँ बाप खो जाते हैं, तो एक खो जाने वाली नेमत है जो कि उस वक्त तक अवेलेबल है टिल द स्टॉक लास, क्या कहते हैं वो, जब तक स्टॉक है, जितो तिकर माल है, माँ बाप जब तक जिंदा हैं तो आपको मयसर हैं, जब माँ बाप नहीं हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सकें, यानी मौजे करने लगेंगे, फूल खिलने लगेंगे आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके माँ बाप पढ़े लिखे हों, चाहे आपके माँ बाप ना पढ़े लिखे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे उनके चेहरे पे छाइयाँ हों। 13 साल की उम्र के बाद मैंने माँ बाप की कभी कोई बात टाली ही नहीं थी। मैं फिर पास गया तो मैंने कहा यार कोई ऐसी किताब है जो बंदा अपने घर वालों के साथ कोई ताल्लुकात ठीक करने के तरीके उसमें हो, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई किताब नहीं होती। तो मैं वापस आ गया तो 2-4 दिन बाद उसने मुझे बुलाया, कहता है जी मैं आपके लिए किताब लाया हूँ। वो कहीं किताबें खरीदने गया होगा तो उसने फिर आगे किसी को पूछा और उसने कहा कि एक किताब है डेल कार्नेगी की और उसका तर्जमा कमाल अहमद रिज़वी ने किया जो कि टीवी आर्टिस्ट थे एलफ, तो उन्होंने उसका तर्जमा किया। वो किताब का नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और उसका उर्दू तर्जमा था मीठे बोल में जादू है। तो उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि कैसे ताल्लुकात ठीक करते हैं और कैसे घर वालों से या बाहर ताल्लुकात बनाते हैं। तो वो 13 साल की उम्र में थी जद्दोजहद।